हेलो फ्रेंड्स, शैली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी की कचौरी। सूजी की कचौरी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, नमक आधा छोटा चम्मच, तेल 1 बड़ा चम्मच, 3 से 4 उबले और मैश किए आलू, 1/4 कप मैश किया हुआ पनीर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, हींग 1 चुटकी, 1 भरी कटी हरी मिर्च, 1 इंच भरी कटा हुआ अदरक, हरा धनिया भरी कटा हुआ। और कचौरी तलने के लिए तेल, सबसे पहले 1 बाउल में मैश किए आलू लें, फिर इसमें अदरक, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, हींग और कटा धनिया डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें, फिर इसमें पनीर डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी कचौरी के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है। अब सूजी को गूंदने के लिए 1 पैन में 2 कप पानी डालकर गरम करेंगे। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तब इसमें अजवाइन, आधा चम्मच नमक, सूजी और 1 चम्मच तेल डालकर सबको मिक्स कर लें। सूजी को लगातार चलाते हुए धीमी गैस पर गाढ़ा होने तक पका लें। सूजी के गाढ़ा होने पर गैस बंद कर दें और इसे हल्का ठंडा होने के लिए एक अलग बर्तन में निकाल लें। जब ये हल्का ठंडा होने लगे और हाथ से गूंदा जा सके तब हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाते हुए इसे अच्छे से गूंदकर तैयार कर लें। अब हाथों पर हल्का सा तेल लगाएं और इस आटे से 1 लोई तोड़ लें। अब 1 लोई को हाथ से गोल करें और बीच में थोड़ा गहरा करते हुए इसमें 1 चम्मच स्टफिंग भरें। अब स्टफिंग भरकर थोड़ा चपटा करते हुए बंद कर लें। सारी लोइयां भरकर इसी तरह से तैयार कर लें। अब कढ़ाई में तेल डालकर मीडियम गरम करें। गरम तेल में कचौरियों को डालें। एक बार में कढ़ाई में जितनी कचौरी आ जाए उतनी कचौरी डाल दें। कचौरियों को पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। तली हुई कचौरी निकालकर प्लेट में बिछे नैपकिन पेपर पर रखिए। इसी तरह सारी कचौरियां तलकर तैयार कर लें। सूजी की कचौरी बनके तैयार है। इन्हें आप हरे धनिए की चटनी या टमाटो सॉस के साथ परोसिए और खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।